ये लूटपाट की वजह से बंद करती फैलाएंगे रायता। यार किसी ने सही कहा है, शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। हालांकि यहाँ पे नदी तो नहीं है, लेकिन एक झील ज़रूर है और साथ में एक कैफ़े ज़रूर है, और इसी कैफ़े में बैठ के हमने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और साथ ही साथ में यहाँ पे लोकल लोगों से इंटरेक्ट करके कई सारे नए दोस्त भी बनाए। दिन भर सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करके थके हारे शाम को हम लोग इस कैफ़े पे आ गए थे। अगर आप लोगों ने सिटी पैलेस वाला व्लॉग नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या नाम आपका? निखिल चौबीस। निखिल भाई हमारे मिले थे और साथ में ये तो हमारे अपने ही है निकिता। निकिता एंड एंड हीना। हीना हीना जो हीना जोशी ओके सो इन लोगों ने काफी हेल्प करी है। आप कभी भी जाओ तो लोकल लोगों से हमेशा इंटरेक्शन करना चाहिए, बिकॉज अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का पता लगता है और बहुत सारी चीजें पता लगती है। तो इसी नोट के साथ आज मैं का ब्लॉग में ही पर एंड करता हूँ। बहुत सारी साइकिल्स अवेलेबल है एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग साइकिल्स भी है जो मैं दिखाता हूँ, जो हम सोच रहे हैं प्लान कर लेने का। यहाँ पे डबल सीटेड वाली साइकिल भी है, तो मतलब दो बंदे एक साइकिल चला सकते हैं और काफी कूल लगता है। और मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तुमने कभी चलाई? सिंगल वाली के पहले आधे घंटे के 30 रुपए हैं, उसके बाद में हर आधे घंटे के 10-10 रुपए। अच्छा, और डबल? और डबल के फर्स्ट आधे घंटे के 100 रुपए, उसके बाद में हर आधे घंटे के 50 रुपए। और क्या क्या चीजें चाहिए होती है साइकिल लेने के लिए? आईडी प्रूफ चाहिए होता है बस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और एक से आप सारे लोग के लिए ले सकते हैं ना? हाँ। ठीक, थैंक यू भाई। क्या नाम आपका? सोनू भाई, थैंक यू सो मच। और यहाँ से लेके हम दूसरे पॉइंट पे छोड़ सकते हैं ना? नहीं नहीं, यही छोड़नी। अच्छा, यही छोड़नी पड़ेगी। ओके, ये है हमारा उदयपुर की फतेह सागर लेक। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी उदयपुर, एंड अभी हम लोग साइकिल राइड कर रहे हैं। उदयपुर आओ और साइकिल राइड ना करो तो बेकार है उदयपुर आना सीरियसली। तो फतेह सागर के अभी चारों ओर हम एक ग्राउंड लगाने वाले हैं। सुबह सुबह साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये नेहरू गार्डन है। तो यहाँ से जो है बोट के थ्रू आप जा सकते हो वहाँ पे। बोट के चार्जेस ज़्यादा नहीं होते हैं, अभी देखा था मैंने, 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है, और सही है। अभी तो यहाँ पे मॉर्निंग में बिल्कुल व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं होते, सिर्फ साइकिलिंग के लिए ओपन होता है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, हम तो थोड़ा लेट आए हैं 8 बजे। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और साइकिलिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। एक्चुअली सुबह इतना बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो लग रहा था कि यार हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन बारिश हो रही है और जा रही है, तो समहाउ थोड़ा सा साथ दे दिया है बारिश ने। वाओ, ज्योति कैसा लगा फिर यहाँ सुबह साइकिलिंग में? अरे बहुत मजा आ रहा है एकदम, मतलब हम लोग ये मिस करने वाले थे, अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग ना आते ना तो हम मिस कर देते। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, लेकिन वर्थ है ना आना सुबह उठ के यहाँ पे। पहले तो लग रहा था कि साला क्या करे, छोड़ो यार साइकिल तो है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आके आपको 7 AM आप आ जाओ यहाँ पे और फतेह सागर लेक के सराउंड में आप साइकिलिंग करोगे ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सही में मजा आ गया मतलब। तो गाइस चक्कर लगाते लगाते अभी हमने साइकिल वहाँ खड़ी कर दी है कोने में, और अभी हम लेक के वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से व्यू का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी क्लाउडी है और वेदर थोड़ा रेनी टाइप का वेदर, इतना क्लीन विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, वेदर प्लीजेंट है, मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ बतानी थी आपको, यहाँ पे एक एक्वेरियम भी है, अगर आप आते हो यहाँ तो इसको भी विजिट कर सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ हो या आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आप ज़रूर यहाँ आना। अच्छा 3D म्यूज़ियम है, और मैं तो पर्सनली नहीं गया हूँ, बट ज्योति गई है, ज्योति बता रही कि अच्छा है म्यूज़ियम, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ज़्यादा कॉस्टली भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, 8 से 11 बजे तक ओपन रहता है बता रहे हैं। अभी कोई है नहीं वहाँ पर, ये तो मैं टिकट भी पूछ के बता देता। तो बाकी यही है यार, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगा डेली आप जितने दिन भी यहाँ पर हो सुबह शाम साइकिलिंग ज़रूर करना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चाय कॉफ़ी कॉफ़ी आपके लेंगे हिमांशु? क्या आप क्या ले रहे हो? कॉफ़ी सब लोग, सब कॉफ़ी, तो हम भी कॉफ़ी। आप क्या लेंगे, आप कॉमेंट करके बताओ कि आपको क्या लेना है।
तो गाइस ऐसे लेक के पास में ना कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है, वो भी मॉर्निंग में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर डे फ्रॉम उदयपुर। और आज हम लोग जाने वाले हैं ऑफबीट डेस्टिनेशन उदयपुर की, जो अनसीन उदयपुर जिसको बोलते हैं। जो पहला नंबर है डेस्टिनेशन का वो है बाहुबली हिल्स, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक विलेज है यहाँ पे जिसका नाम है रायता विलेज, और साथ में ज्योति चला रही है और हम फैलाएंगे रायता। हम लोग फैलाने वाले हैं रायता उदयपुर में। सो गाइस, ये यहाँ पर हम लोग बाहुबली पे आए हुए थे, बट एक्चुअली यहाँ पे जो बाहुबली है अभी बंद किया हुआ है अथॉरिटी ने। सर, रास्ता क्यों बंद कर दिया है? ये लूटपाट की वजह से बंद करती है। कितने टाइम पहले हुई थी लूटपाट? एक महीने पहले। अच्छा, एक महीने पहले हुई है? मतलब टूरिस्ट को लूट दिया था किसी? हाँ, टूरिस्ट। तकरीबन आधे घंटे की राइड करने के बाद हम लोग बाहुबली के एंट्रेंस तक पहुँचे थे, और ये न्यूज़ सुनने के बाद हमारा तो मूड ही ऑफ हो गया था। बट फिर भी हमने सोचा चलो दूसरी डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, और जैसे ही हमने दूसरी डेस्टिनेशन के लिए मैप लगाया, उसके बाद उदयपुर की बारिश के क्या कहने। और तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक बारिश हुई। कहते हैं ना, जो नहीं हो सकता उसे छोड़ के जो हाथ में है उसे एंजॉय करना चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोग वहाँ पे जितना हो सके उतना एंजॉय किया, मस्ती करी, और वहाँ पे ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए, और एंजॉय करके अपना वापस फतेह सागर की ओर चले गए। तो गाइस, बाहुबली तो बंद है, बट बाहुबली के रास्ते में ये बड़ी लेक पड़ती है, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। और काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे मैगी वैगी वगैरह भी अवेलेबल है, गन्ने का जूस वगैरह भी आप पी सकते हैं, और काफ़ी क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिकॉज बाहुबली वगैरह बंद है, तो सारा क्राउड यहाँ डाइवर्ट हो गया है। और वैसे भी अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है फोटोग्राफी के लिए, और बाकी व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा नीचे फोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं और फिर मैगी वगैरह खाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो सारे पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव प्लेसेस आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये बड़ी लेक भी हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब से कम नहीं थी। बाहुबली हिल्स की साइड से सिटी की साइड आ रहे हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग कैफे है, और थोड़ा सा हिडन है तो दिखता नहीं है, अभी हमारी भी नज़र पड़ी। Good afternoon friends, the cafe, the name of the cafe is Hash House. I am Noel. We started this cafe in January 2021 after the lockdown. There were no jobs in tourism industry. I am from tourism sector, hospitality sector. So guys, अगर आप आते हो उदयपुर और इधर साइड आ रहे हो बाहुबली हिल की साइड, तो डेफिनेटली आपको यहाँ आके रुकना है और देखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो भी बैठना, मैं जेनुअनली बोल रहा हूँ, काफी अच्छी वाइब्स है, एक बार ट्राई जरूर करना यार। थैंक यू, थैंक्स। सो गाइस, बड़ी लेक के बाद हम लोग फतेह सागर जाना चाह रहे थे, बट वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा था, तो मेरी फ्रेंड है पूजा, तो शी इज माई फ्रेंड फ्रॉम उदयपुर ओनली, और ये भी भाई गौरव भी उदयपुर से है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पर रानी रोड में काफ़ी कम ट्रैफिक रहता है और बिल्कुल खाली रहती है ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे आउटलेट्स भी लगे हुए हैं, हमने कॉफ़ी वगैरह भी ऑर्डर करी हुई है, और यहाँ से आपको व्यूज़ वगैरह भी अमेजिंग देखने को मिलने वाले हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप फतेह सागर जा रहे हो और आपको क्राउड पसंद नहीं है, तो उसके बजाय आप यहाँ आ सकते हो। तो चलिए, हाँ, ये फतेह सागर का बैक साइड भी है, और अभी हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर दी है। yeah. अभी चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे अभी बारिश की वजह से ना ज़्यादा आउटलेट्स अभी लगे नहीं है, बट कभी किस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे रश रहता हैपनिंग ज़्यादा कब रहता है, किस टाइम? हैपनिंग सैटरडे संडे वीकेंड। अच्छा, वीकेंड्स में ज़्यादा हैपनिंग रहता है, तो ठीक है, मतलब अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे एक राउंड ज़रूर मार के जाना, काफ़ी सही वाइब्स हैं। Thank you.
गाइस रानी रोड के बाद पूजा लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे काफी अच्छा कैफे है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मुफासा नाम है इसका। ये कौन सी एरिया है? ये रेडिसन ब्लू के पास, जस्ट रेडिसन ब्लू के बगल में है ना। चलो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है। कैसा गाइस, भाई ने बताया कि यहाँ से इसका जो रूफ टॉप है उससे भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। एज यू कैन सी, ये मस्त है एकदम, बिल्कुल रेडिसन ब्लू के बगल में है वो, सामने रहा रेडिसन ब्लू। और ये ओपन रूफ टॉप करते, और ये देखो चॉपर भी चल रहा है ऊपर से। सो गाइस, अब हम आ गए हैं सुखाड़िया सर्किल। अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन हैं तो उदयपुर का एक बहुत जाना माना फूड कॉर्नर माना जाता है। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, यहाँ पे जो है 500 से ज़्यादा दुकानें हैं खाने पीने की। ये तो बॉम्बे मार्केट है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको ठेले वगैरह आउटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है कि हर एक वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं यार, काफी सारी शॉप दिख रही है सर। यहाँ पे अंदर ये बॉम्बे बाजार है चौपाटी सेंटर में, यहाँ पे कम से कम 25 शॉप। अच्छा 25? तो भैया यहाँ पर ये क्या फेमस है यहाँ का? हमारी दुकान का यहाँ का स्पेशल शाही फलूदा बहुत फेमस है। शाम को बहुत पब्लिक आती है और शाही फलूदा बहुत पसंद करती है। तो गाइस हम लोग रुके थे महेंद्र जी के साथ और उनके मामा जी के साथ, इस बिल्डिंग के मैनेजर सुधीर दत्ता जी। दत्ता जी फेमस है, मुझे लग रहा है। सो गाइस फिर अभी हम यहाँ पे इनको करते हैं बाय बाय और यहाँ से निकलते हैं, और बिकॉज हम कल पहुँचना है दिल्ली। और बाकी बहुत अच्छा लगा मामा जी और महेंद्र भाई, काफ़ी अच्छा। महेंद्र भाई तो हमारे साथ चलेंगे, और बहुत अच्छा लगा दत्ता जी आपसे मिलकर, और थैंक यू सो मच फॉर छुट्टी के लिए। ठीक है फिर, सी यू सून। और ये भी हमारे अंकल जी महेंद्र के मामा जी हमें अपने एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे लेकर आए थे, जहां हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। रेनी वेदर होने की वजह से हालांकि हम लोग कुछ ज़्यादा प्लेसेस तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट हाँ इसी रीज़न की वजह से हमें उदयपुर जल्द ही आने का मौका मिलेगा। ये तो थी मेरी उदयपुर की कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को इन उदयपुर की वादियों में छोड़ के मैं तो चला अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर।